हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साक्षी सचदेवा। आज हम अपनी पावर पॉइंट की वीडियो में आगे काम करते हैं। देखिए, लास्ट हमने ये वीडियो मैंने वही बना के अभी सेव कर रखी है, तो मैं बिल्कुल इसको स्टार्टिंग स्लाइड पे जाती हूँ ऐसे। ठीक है, तो अब काम क्या करना है, देखिए, जैसे कि हमने ये प्रेजेंटेशन बना दी, तो अब मुझे इसको एक प्रेजेंट आउट करना है। तो प्रेजेंट आउट करने के लिए मैं इसको रन कराना चाहती हूँ, तो रन कैसे करेंगे वो देखेंगे। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन होता है कि हम लोग आपने कीबोर्ड से F5 प्रेस कर दीजिए। देखिए, ये आपकी फुल स्क्रीन पे आ गई। ठीक है, आप अपने माउस से क्लिक कर सकते हैं नेक्स्ट पे जाने के लिए। कीबोर्ड के एरो, डाउन एरो से भी आप क्लिक कर सकते हैं नेक्स्ट कोर्स, नेक्स्ट साइड पे जाने के लिए। स्पेस बार को भी प्रेस कर सकते हैं आप इसके लिए, और आप एंटर को भी प्रेस कर सकते हैं। देखिए, तो जिस तरह के हम लोगों ने लेआउट्स बनाए थे, ये उस तरह के लेआउट्स यहाँ पर हाईलाइट हो गए। तो जैसे ही मेरी ये स्लाइड लास्ट आएगी, तो यहाँ पे ये एंड होके वापस मैं अपनी उसी प्रेजेंटेशन में आ जाऊँगी। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है, हम लोग स्लाइड शो में जाते हैं मेन्यू में, यहाँ पर होता है मेरा रन करना। ठीक है, तो फ्रॉम बिगनिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग से हमारा शो यहाँ से रन हो जाएगा। और अगर बीच में ही मैं इसको रोकना चाहती हूँ, तो राइट क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं एंड शो कर सकती हूँ। और इन केस अगर मान लीजिए मैं स्लाइड नंबर 5 पे हूँ और यहाँ से चलाना चाहती हूँ, तो मैं फ्रॉम करंट स्लाइड कर दूँगी, मैं यहाँ से भी चला सकती हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह से किसी भी तरह से स्लाइड को रनिंग में ला सकते हैं। देखिए, वापस हम इसी पे आ गए। तो ये होता है हमारे इस शो को रन करना, कि हम लोग अगर इस चीज़ को बना रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक्चुअल में वर्क करेगा कैसे। कि अगर मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो बना दी, लेकिन मेरी जो इसको रन कराना है, तो इसको आप प्रोजेक्टर पे प्रॉपरली रन करा सकते हैं। आप के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, और बैकएंड पे आपकी जो वो कुछ अपने बनाए हैं, वो स्क्रीन पे आ रहा है, और आप उसको इजीली प्रेजेंट आउट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें इतना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ हमारे इसमें बोल्ड, इटैलिक और फॉर्मेटिंग, या फिर हम शेप्स या पिक्चर डिज़ाइंस वगैरह हम लोग कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर हम इसके अंदर कोई एनिमेशन कैसे लगा सकते हैं, हम इसके अंदर कोई साउंड कैसे लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इससे बताती हूँ।